कंप्लेन जो मैंने लिखी थी हाथ से वो एप्लीकेशन मेरे पास मौजूद है अभी भी, और मेरा बेसिक मकसद ये था कि हैरेसमेंट के ऊपर एक कंप्लेन उस वक्त लॉन्च की जाती जो कि नहीं की गई। आई डोंट नो पुलिस की क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि उनको शायद तशद्दुद के हवाले से कोई कंप्लेन जो है वो दर्ज करनी थी, FIR काटनी थी। आपको पता है उसका एक लंबा प्रोसीजर है। अभी जाहिर है मेरे भाई की जो बोन है, शोल्डर बोन, वो डिसलोकेटेड है, उसका पूरा ट्रीटमेंट होगा। उसकी इनिशियल जितनी भी रिपोर्ट्स हैं और जो इमरजेंसी उसको उस वक्त ट्रीटमेंट मिला था, वो सारी डिटेल्स तो मेरे पास मौजूद हैं, लेकिन जो फर्दर अभी होगा उसका चेकअप, जाहिर है उस पर अभी वक्त लगेगा उसको ठीक होने में, लेकिन इनिशियली जो राइड की डिटेल्स हैं वो मैं वीडियो में शेयर कर देती हूँ आपके साथ। नंबर ड्राइवर का शेयर नहीं कर सकती, मेरे पास मौजूद है वो भी। इसके साथ साथ पुलिस को कंप्लेन की थी, वो भी मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर भी अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो ऑनलाइन टैक्सी सर्विस बिल्कुल भी महफूज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्जा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्जा। क्या हाल है जनाब, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं, दुआ करता हूं आप जहां हो खैर वाफियत से हूं, सेहतमंद हूं और तंदुरुस्त हूं। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने वक्त निकाला है। मैं वीडियो के आगाज में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। जनाब आज जिस मौजू पर मैं वीडियो बना रहा हूं, यकीन जानिए ये बड़ा अहम मौजू है। और ये मत समझिएगा पूरे वीडियो के अंदर कि जो वाकया जिसका जिक्र मैं करने जा रहा हूं किसी एक लड़की के साथ, एक एंकर के साथ, एक घराने के साथ पेश आया, ऐसा हरगिज नहीं है। कल को इस तरह का अंधोनाक वाकया यकीन जानिए आपके साथ भी हो सकता है और हर उसके साथ हो सकता है, उस शख्स के साथ, उस घराने के साथ हो सकता है जिसकी मां, जिसकी बहन, जिसकी बेटी रोजी कमाने के लिए, तालीम हासिल करने के लिए या किसी भी मकसद के लिए, सौदा सल्फ लेने के लिए, शॉपिंग करने के लिए घर से बाहर कदम रखती है। हमारे मुल्क के अंदर ऑनलाइन टैक्सी सर्विस एक बड़ी अच्छी सर्विस तस्वुर की जाती है। आपके घर पर गाड़ी आती है, ड्रॉप ऑफ लोकेशन होता है, पहले से पैसे डिसाइडेड होते हैं, बड़ी अच्छी लोकेशन है। लेकिन बड़ी दिलचस्प बात यह कि हम पाकिस्तानियों ने हर चीज के अच्छे इस्तेमाल के बजाय उसमें से बुरा इस्तेमाल निकालना शुरू कर दिया। हमारी एक साथी एंकर है, उनके साथ बड़ा अंधोनाक वाकया पेश आया, इतना खतरनाक वाकया कि यकीन जानिए मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं उसको किन अल्फाजों में बयान करूंगा। उन्होंने कुछ ट्वीट्स किए हैं, पहले मैं आपको ट्वीट्स दिखाऊंगा, फिर उनकी वीडियो दिखाऊंगा कि वो क्या कहती है। इतना शर्मनाक, इतना गलीज किस्म का वाकया जो ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर ने उन खातून के साथ, हमारी दोस्त के साथ, हमारी कुलीग के साथ, पाकिस्तान की बड़ी मशहूर एंकर हैं, उनके साथ किया है। पहले मैं आपको बताता हूं कि जनाब उनके साथ हुआ क्या। वो जनाब ये लिखती हैं, शाइस्ता शहजाद उनका नाम है, हमारी बड़ी अच्छी दोस्तों में तसव्वुर की जाती हैं, हमारी एक्स कुलीग भी है, साथ काम भी है, बड़ी अच्छी और बड़ी नफीस किस्म की खातून है। और मैं हर उस खातून की, उस लड़की की, उस माँ की, उस बहन की, उस बेटी की इज्जत करता हूँ, दिल से एहतराम करता हूँ, जो अपने घर का सौदा सल्फ चलाने के लिए, अपने घर की रोटी चलाने के लिए, घर चलाने के लिए, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, अपने माँ बाप का सहारा बनने के लिए घर से बाहर निकलती है। ये उसकी जिम्मेदारी नहीं होती, लेकिन उसके बावजूद वो अपने घर के बड़ों का या अपने घर के मर्दों के शाना बशाना चलने के लिए वो कदम बाहर निकालती है। मेरे दिल में उनके लिए खास इज्जत, खास एहतराम है। अच्छा जनाब, शाइस्ता शहजाद ये लिखती हैं कि ये मुल्क रहने के काबिल नहीं है। कल शाम गुलिस्तान जौहर से राइड मैंने बुक की और शरह फैसल पर आते ही एहसास हुआ कि ड्राइवर नॉर्मल नहीं लग रहा है। उससे कहा कि हैबिट के पास 2 मिनट के लिए रुकना, उसने साफ इनकार कर दिया। गाड़ी तो कहीं नहीं रुकेगी, गाड़ी ड्रॉप ऑफ लोकेशन से पहले, और बदतमीजी करना उसने शुरू कर दी। गाड़ी ज्यादा तेज चलानी शुरू कर दी जबकि रश आवर था, ऐसे लग रहा था कि वो नशे के अंदर। शुक्र है भाई साथ था, उसने कहा बदतमीजी नहीं करो और गाड़ी साइड पर रोक दो, हमने मजीद आगे नहीं जाना है। उसने गाड़ी नहीं रोकी और गालियां बकना शुरू हो गया, हम सब परेशान हो गए। उसने अचानक सड़क पर ब्रेक लगाई, भाई को घसीटते हुए गाड़ी से बाहर निकाला और तशद्दुद शुरू कर दिया। भाई को बचाने के लिए कुछ लोग आए, हमने भी कोशिश की, भाई के मुंह से खून आ रहा था। हम जैसे तैसे वहां से निकलकर अस्पताल पहुंचे, मेरा दिमाग तो काम करना बंद कर चुका था। उसे अस्पताल भेजा, खुद बहादुराबाद के पुलिस स्टेशन पहुंची ताकि वाकये की FIR दर्ज हो। लेकिन पुलिस चाहे सिंध की हो या पंजाब की, जैसा सुना था वैसा पाया। मेरे साथ ऐसा सलूक कर रहे थे जैसे मैं मुजरिम हूं। दरख्वास्त लिखी लेकिन पुलिस ने ना FIR काटी और ना ही उनको काटनी थी, उल्टा इंतजार करवाया। बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और गुस्सा भी आया कि ये क्या मुल्क है, कौन लोग हैं हम, क्या निजाम है। वहां एक घंटा जाया करके अस्पताल पहुंची तो भाई का बाजू डिसलोकेट हो गया था, एक्सरेज और टेस्ट चल रहे थे। बड़ा
आप सोचिए कितना कर्ब तरीन वो लम्हा होगा कि एक तरफ आपके अच्छा शाइस्ता का एक बड़ा प्यारा सा खूबसूरत सा बेटा भी है, वो भी उस गाड़ी के अंदर सवार था, उस बेटे के सामने उस ड्राइवर ने उसके साथ बदतमीजी की, मैं वहां पर नहीं था, लेकिन आप एक सेकंड के लिए आप ये सोचिए कि उस बच्चे पर, शाइस्ता की वालिदा पर कितने संगीन किस्म के असरात इस वाक्य से पड़ेंगे। हाथापाई करना, हाथ उठाना जस्टिफाइड ही नहीं है, चाहे आप सही हो या गलत हो। मैं एक सेकंड के लिए मान लू ना कि अगर फैमिली गलत थी, मैं एक सेकंड के लिए तस्लीम कर लूं कि फैमिली गलत हो सकती है, लेकिन आपको किसने हक दिया है कि आप हाथ उठाएं? हालांकि वो फैमिली बड़ी शरीफ तरीके वाली फैमिली, इज्जतदार फैमिली, तरीके से मिलने वाली फैमिली है, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि उसने किसी किस्म की कोई बदतमीजी नहीं की होगी। लेकिन जनाब उन्होंने कहा कि और ड्राइवर मुसलसल पैसों का तकाजा कर रहा था, मुझे पूरा किराया चाहिए। इसी अस्था में जब मैं अपना बच्चा और सामान संभाले हुई थी, मैंने पर्स खोला, मेरे पैसे नीचे गिर गए और उसने सारे पैसे उठाए, गाड़ी निकाली और भाग गया। पैसे तकरीबन 7-8 हजार ही थे। अब आप सोचिए, अंदाज लगाइए, आप इस मुल्क के अंदर ना हजारों की तादाद में, बल्कि मैं कहूंगा लाखों की तादाद में रोजाना माएं, बच्चियां, बहनें, घर की खवातीन तालीम हासिल करने के लिए, रोजगार के हुसूल के लिए, शॉपिंग करने के लिए, स्कूल में पढ़ाने के लिए, बच्चों को ले जाने के लिए, बच्चों को लाने के लिए हजार बेतहाशा काम होते हैं, उस वजह से वो अपने घर की दहलीज को सिर्फ पैर बाहर निकालती है। और यूजली जो इंतखाब किया जाता है कि यार ऑनलाइन टैक्सी सर्विस हो ताकि घर के पास आ जाए, आप ये सोचिए कि इतना अंधोनाक वाक्या है, ये वाक्या किसी के साथ भी पेश आ सकता है। अगर शाइस्ता के साथ उसका भाई नहीं होता तो सोचिए वो ड्राइवर उसके साथ क्या करता। खैर फिर ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया, और दिलचस्प बात यह है कि जनाब ये देखें कि उसको अगले दिन ही बेल मिल गई भाई, अगले दिन ही उसको रिहाई मिल गई, यानी उसको जमानत पर रिहा कर दिया गया। लेकिन इस वाके में शाइस्ता को अभी तक इंसाफ नहीं मिला है, लेकिन मैं ये कहता हूं इंसाफ मिल भी जाए उसको, उसके बच्चे पर जो जहनी असरात मुरतब होंगे उस वाके के, उसने अपने मामा को अपनी आंखों के सामने पिटते हुए देखा होगा, अपनी माँ को, अपनी नानी को अपने सामने चीखते चिल्लाते हुए, अपने जो उनका मामा है उनको बचाते हुए कोशिश करते हुए देखा होगा, उस बच्चे पर क्या असरात मुरतब होंगे। खैर जनाब इस वाके के बारे में आपकी राय क्या है, मैं चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। सलमान मिर्जा को दीजिए इजाजत, जिंदगी रही, सेहत रही, आपकी दुआएं रही, तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। जाने से पहले एक गुजारिश, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सलमान मिर्जा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। शाइस्ता की वीडियो मैंने लगा दी होगी तो आप जरूर देखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।